आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। जहां एक तरफ दिल्ली में एमसीडी चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो दूसरी तरफ राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी पार्टियां वोटरों को अपनी तरफ लुभाने के लिए अभी से तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। उसी कड़ी में दिल्ली बीजेपी आम आदमी पार्टी का वोट बैंक यानी कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को लुभाने के लिए झुग्गी सम्मान यात्रा 15 अक्टूबर से निकाली है, जो पूरी दिल्ली के हर विधानसभा में जाएगी। तो वहीं इस रथ यात्रा की शुरुआत मेहरौली विधानसभा के कुसुमपुर पहाड़ी से हुई, जिसमें दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, बीजेपी मंत्री एवं दिल्ली सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुजर मेहरौली, बीजेपी अध्यक्ष जगमोहन महलावत, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष गजेंद्र यादव के अलावा और कई नेता मौजूद थे। डॉक्टर अलका गुजर के हरी झंडी दिखाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता एक ई रिक्शा पर सवार होकर पूरे कुसुमपुर पहाड़ी इलाके के झुग्गियों में घूमे। लोगों ने रास्ते भर फूलों की बारिश कर एवं माला पहनाकर इस यात्रा का स्वागत किया। आदेश गुप्ता ने कहा कि बीजेपी हमेशा सबसे पीछे रहने वाले लोगों का हमेशा सम्मान करती है। इस यात्रा के दौरान जो भी कोरोना काल में समाज के लिए कुछ किया है या फिर जो कोई समाज के लिए किसी भी तरह का उत्कृष्ट कार्य किया है, उसे बीजेपी सम्मानित करेगी। माना जाता है कि झुग्गी झोपड़ी के वोटर परंपरागत रूप से आम आदमी पार्टी के वोटर होते हैं। अब बीजेपी इस सम्मान यात्रा के बहाने उसमें सेंध लगाना चाहती है। अब देखना होगा कि बीजेपी इसमें कितना ज़्यादा सफल हो पाती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताओ। इसी तरह के अपडेट के लिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल।